अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट 5 अगेन चैप्टर 2 इकोनॉमिक चॉइसेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास हमारे किस तरह के इंतखाब होते हैं इकोनॉमिक चॉइसेस का। लाइक पीपल, जैसे लोग, गवर्नमेंट आल्सो हैव टू मेक चॉइसेस। जिस तरह लोगों के पास इंतखाब होता है, इसी तरह हुकूमत के पास भी जो है वो इकोनॉमिक चॉइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन। वो शहरियों की जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी है उनको पूरा करने के लिए जो अहल होती है। एरियाज़ लाइक हेल्थ, जैसा कि सेहत का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन तलीम का, एंड डिफेंस और दिफा का, आर मेजर कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। इन तमाम के तमाम सारा लिंक जो है वो हुकूमत के साथ होता है। Then there are also there area which require the government attention like transport, जिनमें जो ज़्यादा अदारे या जिसमें ट्रांसपोर्टेशन उस डिपार्टमेंट में आता है, जिसमें जो गवर्नमेंट की हुकूमत की अटेंशन जो है वो ज़्यादा होती है। एंटरटेनमेंट, तफरी एंड जॉब्स, जॉब्स के हवाले से कि लोगों को जो है वो अच्छी एंटर तफरी आए, और जॉब्स के हवाले से और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से फुल जो है फैसिलिटीज़ दें। द गवर्नमेंट हैज़ ओनली लिमिटेड मनी, बहुत कम पैसे रखती है, विच इट गेट्स थ्रू टैक्सिंग द पीपल, जो कि लोग जो है उसको टैक्स की शक्ल में जो है वो पे करते हैं। इट हैज़ टू प्रोवाइड फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज़ इन दैट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, उनको टैक्स के इवज जो है तमाम सहूलियाँ जो है वो मुहैया की जाती हैं। इट विज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, वो लोगों की तमाम मुश्किल को हल करते हैं। बट इट हैज़ मेक एन इकनॉमिक चॉइसिस, उनके पास जो है वो इकनॉमिक चॉइसिस हो जाए एज इट एज एनी लिमिटेड, बिल्कुल जो है वो हद करने के लिए। अब नीचे जो है वो उसके ग्रामेटिकली या ग्रामेटिकली उसने बताया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टार्ट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो नीचे जो एरियाज़ लिखे हुए हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट, फर्स्ट पे कहता है हेल्थ को, एजुकेशन, डिफेंस, और अगेन की ज़रूरियात क्या है, नीड को फर्स्ट कहता है, फ्यू हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स नीड टू मैनी मोर। नेक्स्ट वन कहता है कि फ्यू स्कूल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग नीड मैरी मोर, इनको जिक्र करने के लिए बहुत ज़्यादा जो चीज़ की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, आपने अपने को सेव करना है, नीड डिफेंस, दिफा के लिए। इसके नीचे हम देख सकते हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कहते हैं बहुत कम हमारे पास माली वसाइल हैं। नेक्स्ट वन कहते हैं इकोनॉमिक चॉइसेस, कहते हैं बिल्डिंग सम स्कूल एंड कॉलेजेस, मोस्टली चीज़ों के पास गवर्नमेंट के पास चॉइस होता है कि वो किस तरह ले जाते हैं। इस नेक्स्ट वन, इस सेंस द गवर्नमेंट डजंट हैव द मनी टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन, अगर जो है वो गवर्नमेंट इस तरह की पोजीशन में नहीं है कि आज जो है तमाम शहरियों की जरूरत पूरी कर सकें, इट मेक्स अ फ्यू इकोनॉमिक चॉइसेस, वो फिर वो क्या करते हैं कि बहुत सी कम जो इकोनॉमिक चॉइसेस है वो चूज़ करते हैं। इट स्पेंड ओनली ऑन डेट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एच एरिया, जो कि उन एरिया के हिसाब से जो ज़रूरत होती है ज़्यादा लोगों को, उन शहरियों को उस हिसाब से जो है वो उनका इंतखाब करती है। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यही है, इकोनॉमिक चॉइसेस ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत जो है वो किस तरह लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए एरिया के मुताबिक जो है वो इंतखाब करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।